हेलो दोस्तों, आज हम खूब सारा पनीर पाव भाजी बनाएंगे, मेहमानों को खुश कर देंगे। एकदम डिफरेंट है, तो चले देखें अपनी रेसिपी की ओर। इसे कैसे बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। कटे हुए आलू, गोभी, मटर, बीट रूट, गाजर और शिमला मिर्च को हम कुकर में डालेंगे और 2 गिलास पानी डालेंगे। नमक और हल्दी के साथ उबाल लेते हैं। एक पैन में हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और 2 बड़े चम्मच हम मक्खन डालेंगे। 2 कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज नरम हो चुके हैं, ये देखिए। 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इन्हें हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अदरक और लहसुन को पाव भाजी में भूनना बहुत ज़रूरी है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी आता है, तो इसे भूनना बहुत ज़रूरी है। तो 1 से 2 मिनट तक हम इन्हें भूनेंगे। लहसुन की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और भून चुका है, तो 2 बड़े चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। आपको कितना तीखा पाव भाजी खाना है, तो उस हिसाब से हम 1 चम्मच मिर्ची डाल रहे हैं। हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। 2 बड़े चम्मच या 1 बड़ा चम्मच हम एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला डाल रहे हैं और इन्हें हम अच्छी तरह से मक्खन में भून लेते हैं। पाव भाजी मसाला भी भून चुका है, तो 4 से 5 टमाटर कटे हुए डाल देंगे और टमाटर गलने तक पका लेते हैं। सब्जियों को उबालते समय नमक हल्दी डाल दिया है, फिर भी टमाटर को पकने के लिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। टमाटर और मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बाद में इसमें हमें नींबू भी डाल के खाना है। तो अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेते हैं। 1 कटोरी इसमें मैं घर का बनाया हुआ ताज़ा पनीर डाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है पाव भाजी में। एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। सब्जियों को उबाल कर मैंने इस तरह से मिक्सी जार में डालकर, सॉरी हैंड मिक्सर में डालकर इसे अच्छी तरह से प्यूरी बना ली है। पनीर भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और घी छोड़ चुका है, तो इसमें हम मैश किया हुआ भाजी डाल देंगे। पनीर पाव भाजी रेडी है। ऊपर से हरी धनिया डालकर इसे हम सर्व करेंगे, तो मैं दिखाती हूँ किस तरह से इसे सर्व करेंगे। हम अपने पाव भाजी को इस तरह से सर्व करेंगे मक्खन डालकर। पनीर पाव भाजी इतना टेस्टी होता है ना कि आप जैसे आपको लगेगा जैसे आप चीज़ पनीर खा रहे हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लग रहा है और बहुत ही टेस्टी बना भी है, मैंने इसे टेस्ट किया है। तो एक बार ये रेसिपी बनाना तो बनता ही है।